और वहीं कैथल के जवाहर पार्क में आज जिला भर से आई आशा वर्कर ने लघु सचिवालय में जाकर अपना प्रदर्शन कर मांग पत्र कैथल के उपायुक्त को सौंपा। पत्रकारों से बात करते हुए आशा वर्कर ने कहा कि हम अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा वर्कर का कहना है कि जब कोरोना काल चल रहा था तब हमें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया था और हमने कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के साथ काम किया, परंतु अब सरकार ने एनएचएम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सुविधाएं दी हैं और हमारा 1000 जोखिम भत्ता भी बंद कर दिया गया। आज का प्रदर्शन इसलिए रखा गया है जी, जो सातवें वेतन आयोग का लाभ सभी कर्मचारियों को जो एनएचएम में काम करते हैं, तो आशा भी इसी के अंदर है, एनएचएम में ही काम कर रही है और सबसे ज्यादा काम भी आशा ने ही किया है। लोगों को क्वारंटीन करवाना, उनका खाना पहुंचाना, उनकी दवाइयां पहुंचाना, उनकी लिस्ट बनाना और सबसे ज्यादा जो सुबह से लेकर शाम तक वैक्सीनेशन का कार्य किया तो आशा ने और उनकी अनदेखी की गई, इसीलिए यहाँ प्रदर्शन रखा गया। आज का प्रदर्शन सरकार ने सर हमारे 1000 रुपए काट लिए, जो कोरोना काल में आशा वर्करें काम कर रही थी और कोरोना काल के दौरान इतनी मेहनत और ईमानदारी से सरकार के लिए पूरा का पूरा काम करके सरकार को दिया है, उसका आशा वर्करों को 1000 रुपए मिलता था और अब सरकार ने क्या किया है कि वो 1000 रुपए अभी काट लिया है, जबकि कोरोना काल अभी तक खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से, अभी तक चालू है। लोगों को टीके लगवाने के फिलहाल तो एक ही डोज लगे, लोगों को सेकंड डोज भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, सेकंड डोज लगवाने हैं और फिर बच्चों की भी वैक्सीन आ गई है, बच्चों को भी टीकाकरण करवाना है। तो पहले से ही सरकार ने सितंबर माह से ही सरकार ने आशा वर्करों के 1000 रुपए में कटौती कर दी, ये हमें मंजूर नहीं है। खर्चा दो।